हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नजीर। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डिजिटल इंडिया पास्ट वर्सेस फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, भारत नेट, जियो और जो भी सारा कुछ डिजिटल से रिलेटेड है उसका पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन। अभी जो है तो आने वाला टाइम पे कब होगा, कैसा होगा, तो ये अब देखते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू का वीडियो। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी आईटी, इनके डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में। हाल ही के सालों में भारत में आपने ध्यान दिया हो तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफी तेजी से हुआ है। और जियो के आने के बाद से तो जो लोग पहले इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन सबसे फेमिलियर नहीं थे, वो भी काफी हद तक इंटरनेट से रूबरू हो गए हैं। और हमारी सरकार भी पीएम वाणी वाईफाई, भारत नेट जैसे इनिशिएटिव्स के साथ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ा जाए। तो आखिर कैसा होगा भारत के इंटरनेट का फ्यूचर? बहुत बड़ी आबादी है भारत में जो अभी तक इंटरनेट पर नहीं आई है, जो कि आने वाले सालों में इंटरनेट पर आ जाएगी। तो आखिर क्या उम्मीद रख सकते हैं हम आने वाले डिजिटल इंडिया से, कि आखिर वो इंडिया कैसा होगा? तो आज बात करेंगे इसी बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसका डायलॉग है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1995 से। क्यों? इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1995 से ही विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च किया था। खैर 1995 में लॉन्च तो हो ही गया था, लेकिन शायद मुट्ठी भर लोगों तक ही वो इंटरनेट का एक्सेस रहा होगा। मतलब लगभग 25-26 साल पहले की बात हो गई है। आज भी भारत में काफी लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उस समय तो बहुत ही कम रहा होगा। और 3 साल बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए अलाउ कर दिया था। उसी समय लगभग भारत की पहली कुछ वेबसाइट्स भी बनाकर तैयार की गई थी। इंडिया वर्ल्ड, Reddit.com, इंडिया टाइम्स, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम हैं जो कि उसी समय शुरू किए गए थे। लेकिन जब इंटरनेट इंडिया में आया तो इंटरनेट का किसी के पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। मतलब आज इंटरनेट मैक्सिमम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंटरनेट की स्पीड 24 आवर्स अवेलेबल रहे, ज्यादा डेटा मिले, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में करीबन 10 दिन और 10 रात के इंटरनेट एक्सेस के लिए 12,000 रुपए तक चुकाने पड़ते थे, और फिर भी क्वालिटी उस टाइम 10 KBPS के आसपास की स्पीड आप लोग मान लो। और उस समय कुछ वेस्टर्न मीडिया और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, मतलब जिनकी आदत होती है हर बात पे अपनी टांग घुसाने की, आज आपको इंडिया में भी काफी ऐसे लोग मिलेंगे वैसे, तो उन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले समय में सिर्फ कुछ ही ऐसे देश होंगे जो कि इंटरनेट को आगे तक ले जा पाएंगे, यानी एक तरह से लंबे समय तक अफोर्ड कर पाएंगे। उस समय बिल्कुल एक नई चीज थी हमारे लिए भी। तो उनके अनुसार कुछ ऐसे देश होंगे जहां आने वाले समय में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, और उन्होंने इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया था। खैर आज बंद तो छोड़ो, जितनी आज इंडिया की पॉपुलेशन इंटरनेट पर आ गई है, आधा तो इंटरनेट हम लोगों की वजह से ही चल रहा है। किसी भी कमेंट सेक्शन में जाओ, हर जगह इंडियंस पहले से ही तैयार बैठे होते हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश है। जैसे मैं आपको कुछ समय से बोल रहा हूँ कि लोगों के पास इंटरनेट शुरू होने के बाद भी इंडिया में इंटरनेट की एक्सेस कम थी, और वो चीज यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ से वेरीफाई करेंगे। ये ग्राफ 2007 से है, जो कि आपको 2020 तक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। जिस देश में इंटरनेट कहने के लिए 1995 में आ गया था, 2007 में भी सिर्फ 4% लोगों के पास में ही इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी। उसके बाद 2008, 2009, 10 से लेकर 2014 तक कैसे प्रोग्रेस हुई, ये आप लोग खुद ग्राफ में देख सकते हो। 2014 में करीबन 18% ऐसे लोग थे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस थी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ और उस समय 2014 के आसपास मैं स्कूल में था, तो ग्राउंड की रियलिटी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 18% लोगों के पास भले ही उस समय इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन बहुत ही कम लोग यूट्यूब या इस तरह की सोशल मीडिया चलाया करते थे। 2G4 में 10 मिनट फेसबुक चला लो, थोड़े बहुत मैसेज भेज दो, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा थे और डेटा उतना ज्यादा नहीं मिला करता था। यानी 18% के पास एक्सेस तो था, लेकिन ज्यादातर के पास सिर्फ नाम का ही एक्सेस था, कहने के लिए कि हम गूगल चलाते हैं। एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर बाकी देशों में जो काम करता है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस करना, फ्रीलांसिंग वर्क करना, डिजिटल पेमेंट्स करना,
वो सब उस समय इंडिया में नहीं हुआ करता था। 2014 के बाद से गवर्नमेंट चेंज होती है। खैर पॉलिसीज में तो कोई भी गवर्नमेंट एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ले आती है, लेकिन पिछले लगभग 5-6 साल ऐसे रहे हैं जहां पर एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई है जिनकी मदद से इंटरनेट की एक्सेस इंडिया में बढ़ने लगी। 2014 के आसपास का ही टाइम था जब चाइनीज कंपनीज अपने सस्ते और पावरफुल मोबाइल्स के साथ इंडिया में आनी शुरू हुई। वैसे हम लोग चाइनीज माल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जब अपने घर में एक फालतू सा मोबाइल 8000 का मिले और चाइना का एक नॉर्मल पावरफुल मोबाइल भी 4-4.5 हज़ार में मिले तो लोग उसे इस्तेमाल कर ही लेंगे। और यही हुआ, कितनी सारी कंपनी उस वक्त ग्रो कर गई इंडियन मार्केट में, और आज भी एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया का चाइनीज कंपनीज ने एक्वायर किया हुआ है। उसी समय हमारी सरकार ने भी कुछ चीजों में अच्छा ध्यान दिया, जैसे डिजिटल इंडिया, भारत नेट, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने खुद से कोशिश की कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट से जोड़ा जाए, क्योंकि फ्यूचर डिजिटल ही होने वाला है। और जस्ट उसके कुछ समय बाद ही जियो भी लॉन्च हो गया। शुरुआत उन्होंने बिल्कुल फ्री सर्विसेज से की, और उसके बाद भी जो चार्जेस लिए वो उनसे तो बहुत कम थे जो पहले कंपनीज चार्ज किया करती थी। यानी एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई कि जहां 2007 से 2014 तक हमें 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, वहीं अगले 6-7 सालों में यानी कि 2014 से 2020 तक वही परसेंटेज 32% तक बढ़ गया। और उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का एक दिन का इतना डेटा तो मिलता है कि 5-6 गेम पबजी मोबाइल के खेल लो, ठीक ठाक सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर लो, तो आखिरकार एक संतुष्टि मिल जाती है कि चलो डेटा का कुछ तो इस्तेमाल हो गया। आज लगभग 50% इंडियंस के पास इंटरनेट की एक्सेस है। कहने के लिए बहुत बड़ा नंबर है वैसे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही लगभग 140 करोड़ होने वाली है। वैसे कौन सा देश होगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि एक ही ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन अभी इंडिया से ज्यादा है और वो इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप भी है, और वही देश पहले नंबर पर भी है। और असल में आज के समय डिजिटल जाने का काफी फायदा इंडिया में देखने को मिला है। क्या नुकसान तो है ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ उसे यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स, हैकिंग, इन तरह की चीजें काफी ज्यादा बढ़ी है इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बढ़ी है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। जनवरी 2021 का ग्राफ है जहाँ आपको दिख रहा होगा कि यूट्यूब इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया के मामले में, क्योंकि आज इंटरनेट का मतलब ही बनकर रह गया है सोशल मीडिया। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा ग्रो किए हैं इंडिया में, क्योंकि यूट्यूब की मदद से जो चीज आप गूगल पर जाकर पढ़ते हैं वो तो जान ही सकते हैं, साथ ही क्रिएटर से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यूट्यूब जैसी साइट्स पर ये पता लगाना भी ज्यादा आसान होता है कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि सही चीजें बताएगा और कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि नहीं बताएगा, जो कि गूगल पर वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 50% प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के मामले में अभी भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये चीज तो यही बता रही है ना कि अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 50 ही इंटरनेट को यूज करते हैं, जो नंबर हमें और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इंडिया में आज सिचुएशन ऐसी है और डिफरेंस इतना ज्यादा है लोगों के बीच में कि शायद आप लोगों को अगर 2 दिन के लिए इंटरनेट ना मिले तो तबीयत खराब हो जाएगी, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेट क्या होता है। तो अभी देखो आप लोग की कितना ज्यादा डिफरेंस है एक ही कंट्री में लोगों के बीच में चीजों की अवेलेबिलिटी को लेकर के। लेकिन यही चीज इंडिया के लिए फ्यूचर में फायदा भी देगी। उम्मीद है कि 2023 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 800 मिलियन को क्रॉस कर सकती है। 800 मिलियन मतलब मान लो 80 करोड़, यानी अभी आधी पॉपुलेशन ही इंडिया के इंटरनेट पर है। फिर भी इंडिया इंटरनेट में एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, और कहने के लिए हम लोग वैसे दूसरे नंबर पर है, लेकिन वैसे नॉर्मल साइट्स को यूज करने के मामले पर हम लोग नंबर एक पर ही आते हैं, क्योंकि चीन में तो कई साइट्स जैसे गूगल, यूट्यूब ये सब बैन है। वहाँ इंटरनेट के यूजर्स भले ही भारत से ज्यादा है, लेकिन वो खुद के सोशल मीडिया साइट्स को ही इस्तेमाल में लेते हैं। आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर कि वो डिजिटली और भी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकता है। और एक्चुअली जैसे मैं कभी कभी वीडियोस में अपने सजेशंस देता हूँ, आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस सजेशन के बारे में कि मुझे लगता है कि एक काफी अच्छा मौका है जब सरकार को कदम उठाने चाहिए और इंडिया को खुद से खुद के भी सोशल मीडिया साइट्स को बनाना चाहिए। मतलब यूट्यूब, फेसबुक कोई बुरा नहीं है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग
भी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अगर हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, हमें पता है कि फ्यूचर में हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट पर आने वाली है, तो चीन की तरह खुद से ऐसी वेबसाइट शुरू की जा सकती है जहां इंडिया के अंदर ही डेटा स्टोर हो, यहां सारी चीजें मैनेज हो और पैसा भी इंडिया में ही रहे, फायदा इंडिया को ही हो, वर्ल्ड वाइड फैलाए, तो वो इंडियन कंपनी हो। क्योंकि आज सच में एक तरह से काफी डोमिनेशन हो गया है इन डिजिटल कंपनीज और कुछ वेबसाइट्स का। और सच में ये बात आप मानो या नहीं, लेकिन रोटी के बिना आप लोग एक दिन रह सकते हो, लेकिन इंटरनेट के बगैर इंस्टाग्राम के बिना नहीं रह पाओगे। बाकी तो ये मेरा सिर्फ एक सजेशन था, इंडिया अगर ऐसे ही डिजिटली ग्रो करता रहा तो हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनकर जल्द ही उभरेंगे, जो कि कुछ ही सालों में हो जाएगा। बोला था कि इंडिया में आने वाले समय में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, वैसे क्या पता, हो सकता है वो आज खुद यूट्यूब पर बैठकर इंडियन मूवीज पर ही रिएक्शन दे रहे हो, मतलब हु नोस। बाकी तो कोई आपके दिल की बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। इधर ये वीडियो खत्म, ऐसे वैसे रिएक्शन चैनल की बेइज्जती नहीं करती, थोड़ा सा रोस्ट ही किया, लेकिन जो भी है यार इसका बनता भी है बंदे का। वजह 1995 में इंडिया में इतना इंटरनेट नहीं था ना, नहीं था ना, वो तो किधर था पापा जी, आपको लगता है 1995 में इंटरनेट लॉन्च हुआ, उस टाइम मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम मतलब हुआ होगा तो कुछ चलता होगा, कमों पे लोगों के पास होगा, जो बड़े अमीर कबीर लोग होंगे उनके पास ही होगा इंटरनेट। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जिन लोगों के पास होता भी था ना, उनके पास बड़े बड़े मोबाइल होते थे, वो बटनों वाले, वो बोस्टर भी कोई नहीं लगे होते थे। हाँ तो वो तो सिग्नल इशू है, वो उस टाइम तो क्या दौर था, तब नए नए मोबाइल चले होंगे, नए नए और चीजें आई होंगी, तो यार अब जो बकाया सीन है ना, तब देखें कितने लोग थे, और 2007 तक मतलब क्या आई थिंक 11 लोग थे, 11 मतलब 4% लोगों के पास इंटरनेट था 2007 इंडिया में, और फिर 2014 तक आई थिंक सो के मतलब यही संख्या 14-15 पे चली गई थी, फिर जब अभी आहिस्ता आहिस्ता आया तो अब 50% पे पहुंच चुके, अंदाजा लगाए ना कितने 7 सालों में, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है 14 से लेके 20 तक, इन 7 सालों में जियो इंटरनेट आया जो कि बिल्कुल फ्री था, पूरे इंटरनेट पूरी इंडिया में 1-2 सालों के लिए इंटरनेट फ्री था उधर। अच्छा उसने दिया हुआ तो सबने समय ले के फुल यूज किया है, फिर उसके बाद जब उन्होंने जब उस पर पैसे लगाए तो पैसे भी इतने कम लगाए कि हर कोई आराम से गरीब भी दे सकता है। सही बात है भैया, आई थिंक 300 रुपए में एक महीने जिसमें रोज 2 GB इंटरनेट मिलता है, कुछ मिनट कॉलर्स के लिए मिलते हैं और सब कुछ है वो। ये जीव कमाल है, देखो ना 300 रुपए महीने में, और बकाया जो और कहानी है, और कंपनी इसके बाद और कंपनियां भी आई हैं ना बाबा जी, और कंपनियां आई हैं लेकिन वो कम्पीट ही नहीं कर सके जियो के साथ, आधे से ज्यादा लोग जियो और एयरटेल यूज कर रहे हैं, एयरटेल बिल्कुल, एयरटेल थोड़ा सा महंगा है लेकिन वो कहते हैं कि उसका इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज है, उम्मीद है सारा राज जियो का ही है, जियो का है, पूरी राज जियो का है, और बकाया जो आईटी के कंपनी और बकाया हो रहा है, आने वाले फ्यूचर इंडिया का बहुत ज्यादा ब्राइट है, खासतौर पे हाँ आईटी की शोबे में, आईटी की शोबे में बहुत ज्यादा ब्राइट है, और जिस तरह के इनके जो यंगेस्ट जो है यंग जनरेशन जो निकल कर आ रही है आगे आईटी की फील्ड में जा रही है, और बकाया जो काम कर रही है, मैं कहता हूँ कि इंडिया को बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाली है, इंटरनेट पे ही सारा निजाम आगे इंटरनेट पे ही होगा, इंडिया तो सारा निजाम अपना हर चीज इंटरनेट पे ही कर रहा है, भाई पेमेंट ट्रांसफर करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, कपड़े लेना, बर्तन लेना, हालांकि सब्जी तक लेना आधे से ज्यादा इंडियन जो है वो अब कर रहे हैं, जो मतलब कि शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात ऑर्डर करते हैं ऑन इंटरनेट यूज करते करते 5 मिनट बाद सब्जी या चीज पहुंची घर पे पहुंच जाती है, बिल्कुल, तो ये जबरदस्त है, खाना वाना ऑर्डर करना पहले बोल रहे थे कि पहले जो 10,000 का अदा करना पड़ता था पहले 1995 में, वो इसी तरह वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कि इतना महंगा था, बिल्कुल 10 दिन का सिर्फ 12,000 रुपया पे करना पड़ता था, अभी देखें उस टाइम को देखो अंदाजा लगा सस्ता हुआ है, वही ना कितना ये कंपनियां है ना, कंपटीशन है भाई, कंपटीशन है, कस्टमर को इतना कंपटीशन दे रही है कि मतलब सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में आप लोग के थॉट्स हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप किस ट्रेंडिंग के फ्यूचर देखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो इधर ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।